सो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स किए काफी सारे और प्रिज्म के बारे में मैक्सिमम चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर प्रिज्म का एंगल छोटा होता है तो क्या होता है, ध्यान दो अच्छे से। बेसिकली मान लो ये है आपका प्रिज्म, ओके, एंड ये एंगल ए है जो बहुत छोटा है, छोटा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 8-10 डिग्री तक ले लो, है ना, अप टू 10 डिग्री मान लो। तो हम बोलेंगे द एंगल ए इज वेरी स्मॉल। एंगल ए स्मॉल है नंबर वन, और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, ये भी वेरी वेरी स्मॉल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों भी बहुत स्मॉल है तो क्या होगा? देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 स्मॉल हुआ तो आपका R2 भी स्मॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर R2 स्मॉल हो गया तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा E वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ऑल ऑफ दीज एंगल्स विल बिकम वेरी स्मॉल, I स्मॉल तो R1 स्मॉल, R1 तो R2, R2 तो E भी स्मॉल। ओके चलो इसको देखो जरा, ये बोलूंगा मैं प्रिज्म ABC, प्रिज्म AB ले लो, सॉरी प्रिज्म का फेस AB ले लो, रिफ्रैक्टिंग फेस AB, और यहाँ पे नाउ दिस इज एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख देता हूं मैं, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये फिर से एयर, ओके। तो यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ, क्या बोलेगा, दिस इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1, तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। अच्छा चलो AC पे भी लगा दो, AC सरफेस पे, तो AC सरफेस पे हमको मिलेगा म्यू इंटू साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ E, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, क्या किया दोनों पे स्नेल्स लॉ लगा। अच्छा फ्रॉम वन एंड टू ये देखो ये चीज कॉमन है यहाँ पे, और सॉरी ये वाला चीज कॉमन है म्यू साइन R1 म्यू साइन R1, तो कैन आई राइट म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई। फिलहाल यहाँ पे एयर है, कोई भी मीडियम होता तो हम म्यू और म्यू को करेंगे कट, और मुझे मिल रहा है बच्चों साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यस साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, क्लियर है। और अगर साइन आई इज इक्वल टू साइन ई है तो आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, यस। क्या कुछ गड़बड़ किया यार मैंने समथिंग, यस सर, वो यू साइन R2 होना चाहिए था ना सेकंड स्टेप में। यस यहां पे होना चाहिए R2, करेक्ट, यहाँ पर होना चाहिए R2, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने डेरिवेशन में, जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके चलो मैं इसको हटा रहा हूँ यार, पूरा हटा रहा हूँ, बहुत स्टेबल माइंड चाहिए सारी चीजों के लिए। चलो लेट्स सी अगेन, आई एम सो सॉरी, इधर गया, ब्लैक कलर ले रहा हूँ, ओके चलो ये ले लो AB फेस को ले लो, AB फेस पे क्या होने वाला है, म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ग्लास इनटू साइन ऑफ R1, वेरी गुड। और AC सरफेस पे देखो क्या होने वाला है, म्यू ऑफ साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, यस, ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ ई, इनटू साइन ऑफ ई, ओके वेरी गुड। अब यहां से ध्यान देना, इसके ऊपर आएंगे हम लोग, ओके लेट्स टेक वन बाय वन, लेट्स टेक वन बाय वन, यहां ध्यान देना, ओके। इफ आई इज वेरी स्मॉल, इफ आई इज टेंडिंग टू जीरो फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन आई इज इक्वल टू आई, है ना। इफ R1 इज वेरी स्मॉल तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू R1, एंड इफ E इज ऑल्सो वेरी स्मॉल तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ E इज इक्वल टू E। ये तीन रिलेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, म्यू ऑफ एयर तो वन है और साइन आई के बदले में डाल दूंगा आई इज इक्वल टू, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
इनटू साइन आर वन के बदले में डाल दूंगा आर वन, आई इज इक्वल टू म्यू इनटू आर वन। अच्छा सेम चीज यहाँ पे देखो, म्यू इनटू साइन ऑफ आर टू, तो म्यू इनटू आर टू क्योंकि साइन आई इज इक्वल टू आई है, साइन आर वन इज इक्वल टू आर वन, या साइन आर टू इज इक्वल टू आर टू है, जो भी लिखना है लिखो, ओके आर वन आर टू सब कुछ टेंडिंग टू जीरो, ओके तो यहां से मुझे मिलेगा इज इक्वल टू ई, यस तो ई इज इक्वल टू म्यू आर टू। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। What is angle of deviation? Angle of deviation is I plus E minus A. Correct? I plus E minus A. डाल दो वैल्यू सारी. For a very small angle of incidence and very small angle of prism, I is equal to mu R1 plus E is equal to mu R2 minus A, which is equal to, क्या मैं mu को common ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल. यहाँ से Yes, बचेगा R1 plus R2 minus A. ये ऐसे क्यों हो रहा है? Okay, is equal to mu into R1 plus R2 तो A होता है minus A, which is nothing but A common mu minus 1. So delta, that is nothing but angle of deviation, is equal to A into mu minus 1. Angle of deviation is A into mu minus 1. वेरी गुड। अब देखो इसके आगे की कहानी, यहां तक हमने पिछले क्लास में भी किया था और थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, दिक्कत वाज नेट चला गया, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अच्छा अब देखो जरा, हमने बोल रखा है इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट डेल्टा दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन अगर इंक्रीज होता है या म्यू इंक्रीज होता है, एज सिंपल एज दिस, सी इफ म्यू इंक्रीजेस Yes, then the angle of deviation will also increase. Mu increase हुआ, angle of deviation भी increase होगा. मतलब अब यहाँ देखो, we know that mu 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1 is equal to mu 2 upon mu 1, which is equal to lambda 1 upon lambda 2. Which is equal to V1 by V2. तो यहां से इस relationship से can I say that mu is inversely proportional to lambda? हाँ ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, mu is inversely proportional to lambda. अच्छा देखो guys, इसको मैं बोलता हूं मेरा relationship number 1, ये वाला है ना, और इसको मैं बोलता हूं मेरा relationship number 2. This is kind of direct proportion. This is kind of direct proportion and this is kind of inverse proportion. Yes, matlab mu is inversely proportional to lambda, mu is directly proportional to delta, right? So can I say delta is inversely proportional to wavelength? Delta is inversely proportional to wavelength. Okay, ab thoda sa basics pe jaate hain aur basics mein thoda basic to aapko pata hai. Kya hai basic thoda sa? Ki yaar व्हाइट लाइट होता है, मान लो यहां से एक व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, क्लास 10th में पढ़ा है ना, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। कलर क्या है? लाइट के वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करता है। मतलब ये जो व्हाइट लाइट यहां से आया इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स जो हमको अभी व्हाइट दिख रहा है, लेकिन as soon as it enters into a different medium, होने क्या वाला है, यहां से ये split हो जाएगा into 7 colors, है ना, यहां से ये split हो रहा है into 7 colors. क्यों split हो रहा है into 7 colors? क्योंकि सारे light का wavelength अलग है, सारे colors का wavelength अलग है, एंड अभी हमने देखा कि वेवलेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, है ना, मतलब जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम डेविएट करेगा और जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, इसलिए यहां से डेविएशन अलग अलग होता है,
किसी का डेविएशन थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर बच्चों हमको मिलते हैं 7 कलर्स, बी आई बी जी वाई ओ आर, उल्टा विब्योर, ऐसे कलर मिलता है, उल्टा विब्योर कलर मिलता है। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट का, है ना। वॉयलेट का डेविएशन इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डेविएट हुआ वो अपने ओरिजिनल पाथ से, वेरी गुड। तो इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है वो होगा सबसे कम, सिंपल। और रेड हुआ सबसे कम डेविएट, इसका डेविएशन है सबसे कम, तो बच्चों इसका वेवलेंथ रहेगा सबसे ज्यादा, राइट, क्योंकि ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि 7 डिफरेंट कलर्स में क्यों स्प्लिट हुआ, क्यों डिस्पर्जन, एंड दिस फिनोमिनॉन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट is called as dispersion, ना? इस phenomenon को dispersion बोलते हैं। The splitting of white light into 7 different colors. क्यों split हुआ? क्योंकि medium change हुआ। Medium change होने से क्या हो गया? Medium change होने से सबका speed change हो गया। सबका स्पीड चेंज हो गया, तो जिसका स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो गया वो सबसे ज्यादा डेविएट कर जाएगा, और जिसका स्पीड ज्यादा चेंज नहीं हुआ वो थोड़ा सा डेविएट करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, इसका, है ना। रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, रेड लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ओके। रेड लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे कम डेविएट करेगा। जिसका स्पीड ड्रास्टिकली कम होने वाला है या चेंज होने वाला है, उसका स्पीड सबसे कम, है ना, चेंज इन स्पीड भी सबसे ज्यादा होगा। यस, वॉयलेट का चेंज इन स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन स्पीड सबसे कम है, करेक्ट। जब यहां से यहां ट्रांसफर किया तो चेंज इन स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, बहुत स्लो हो गया वो, तो वो बहुत ज्यादा डेविएट कर गया। तो डेविएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, कि सबका वेवलेंथ अलग है, सबका वेलोसिटी अलग है, वेवलेंथ अलग है, वेलोसिटी अलग है, तो डेविएशन अलग अलग होगा। जैसे ही डेविएशन अलग अलग हुआ, हमको मिलता है कुछ ऐसा कलर, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस इज नथिंग बट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। What is dispersion? Splitting of white light into 7 colors. और बच्चों यहाँ पे जो 7 colors हमको मिले हैं, मान लो मैं यहाँ एक स्क्रीन रख देता हूँ, है ना, और इस स्क्रीन के ऊपर आपको 7 colors मिलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यस, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये जो 7 colors का फॉर्मेशन रेनबो मिला है, दिस इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। और ये जो पैटर्न हमको स्क्रीन पे दिखेगा, उस पैटर्न को मान लो आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये तो सब ठीक है। डिस्पर्जन हो गया व्हाइट लाइट का, कैसे हुआ ये मैंने प्रीवियस स्लाइड पे ही बता दिया, राइट। लेकिन ये क्यों पढ़ा हमने, ये सब क्यों पढ़ा बीच में, इसका डिस्पर्जन से क्या लेना देना? इसका डिस्पर्जन से लेना देना ऐसे है कि जब भी मान लो मैं बोलता हूं कि एक रेनबो फॉर्म हो रहा है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, यहां देखो, ये है आपका वाटर ड्रॉपलेट, सर्कुलर वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर करते हैं। यहां से आया आपका लाइट, यहां से लाइट आ रहा है ऐसे, कौन से एंगल से लाइट आएगा मुझे नहीं पता, कभी ये साइड से आएगा, मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट यहां पर है, ओके? कभी सन यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी कंपेयर, मतलब रेस्पेक्टिव इन 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 रेफरेंस टू द वाटर ड्रॉपलेट। तो हमको नहीं पता कि सन कहाँ पर है। सो सन से जो भी रेज आ रहे हैं यहाँ पर गाइस, जो भी रेज यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर मेकिंग, ये देखो, ये है नॉर्मल आपका, ये है आपका नॉर्मल।
तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा बन रहा है, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन तो होने ही वाला, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन भी होगा, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, है ना। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस बनता है कि यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहां पर दोबारा से बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और यूजर कहां पर है? देखो सन यहां पर है, पीछे सन यहां पर है और मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं इधर, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, आई एम फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। चलो मैं खुद को थोड़ा सा साइड हटा देता हूँ, है ना, इसके रे के लाइन में ले लेते हैं खुद को, ध्यान दो, ये रे ऑफ लाइट आया, ओके, एंड गाइस आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मुझे रेनबो किधर दिखेगा? मुझे रेनबो यहाँ से दिखेगा ना, यहाँ से 7 डिफरेंट कलर्स बाहर आएंगे भाई, यहाँ से भी 7 डिफरेंट कलर स्प्लिट हो रहे हैं, करेक्ट, यहाँ से भी 7 डिफरेंट कलर हमारी आंखों में जा रहे हैं, तो मुझे रेनबो कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? मुझे यहाँ पे रेनबो दिखेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि इधर ऐसे रेनबो बना हुआ है क्योंकि ये लाइट हमारी आंखों में जा रही है। सन कहाँ है? सन है मेरे पीछे, सन इज बिहाइंड मी, सन इधर है और रेनबो इधर, सन इधर है और रेनबो ये डायरेक्शन में है, ओके। ये तो हो गया सिंपल फिनोमेनॉन की रेनबो कैसा दिखता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि यहां पर ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा, वैसे तो ये स्फेरिकल सर्फेसेस है, स्फेरिकल सर्फेसेस पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा दोबारा, ओके। वैसे तो स्फेरिकल सर्फेसेस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंसेस, तब मैं ये दोबारा बताऊंगा, बट इसके आगे हम जो भी डिस्पर्जन का डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि ये स्मॉल एंगल्स का जो हमने डेरिवेशन किया है यही सब यूज होने वाला, ओके। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशन विद एन अजम्पशन कि स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल रहेगा। क्यों ऐसा अजम्पशन किया? क्योंकि जो प्रैक्टिकल फिनोमेनॉन्स है, जहां पर आपको रेनबो दिखेगा, जहां पर आपको डिस्पर्जन दिखेगा, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होने वाला है, तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होने वाला है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज दैट? इट इज म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए, क्लियर है? सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग। चलो सबको समझ में आया यहां तक? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, एनीबडी क्विकली, यस गाइस, क्लियर। अब देखो नया एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। क्या होता है ये एंगुलर डिस्पर्जन? सी हियर, दिस इज आवर प्रिज्म, वेरी गुड, यहां से आया आपका व्हाइट लाइट, ओके, दिस इज योर व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट यहाँ पे मैं सिर्फ दो कलर में स्प्लिट करता हूँ गाइस, एक रेड और एक वायलेट, है ना, विब्योर का सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, और यहाँ पर गाइस ये फिर से ऐसे डेविएट हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। मतलब ये देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं। देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चला जाता, यस, ये लाइट ऐसे चला जाता, है ना। सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, द एक्चुअल रे एंड ये कौन सा कलर है? ये कलर है हमारा रेड और ये कलर है हमारा वायलेट। दिस कलर इज रेड एंड दिस कलर इज वायलेट, ओके। तो ये एंगल कितना हुआ? हाउ मच इज दिस एंगल? कौन सा एंगल? ये वाला। हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, है ना। एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुआ रेड कलर?
एक्चुअल पाथ से रेड कलर कितना डेविएट हुआ। वेरी गुड। और ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा गाइस, ये बड़ा वाला, ये वाला मेरा एंगल होने वाला है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज बच्चों दिस एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल डेल्टा नहीं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। मतलब क्या, व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये कितना खुल गया, ऐसे जा रहा था, है ना, इनिशियली इट वॉज गोइंग लाइक दिस, करेक्ट, ये ऐसा डिस्पर्स हो गया, तो कितना डिस्पर्स हो गया, यस, रेड नीचे चला गया, वॉयलेट इधर, तो रेड और वॉयलेट के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन, यस, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ध्यान दो अच्छे से, एक और चीज, एक और चीज, यहां से बीच से, बीच से कहीं से तो येलो कलर निकलेगा, आई होप इट इज विजिबल, थोड़ा बहुत तो भी, थोड़ा बहुत तो भी, है ना, V I B G Y O R, R के थोड़ा पास में रहेगा येलो कलर, तो मैंने R के थोड़ा पास में बताया, R के थोड़ा पास में रहेगा येलो कलर, यहां से निकलेगा कहीं से तो येलो कलर, करेक्ट। येलो कलर का जो डेविएशन होता है, येलो कलर के डेविएशन को हम बोलेंगे डेल वाई, एंड इट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, है ना। माना येलो कलर बीच में नहीं होता, है ना, वी आई बी जी वाई पांच नंबर पे आ रहा है येलो, बीच वाला कलर येलो नहीं है, लेकिन येलो कलर को बोलते हैं मीन डेविएशन। क्यों? क्योंकि यार हर कलर इक्वली नहीं स्प्लिट हो रहा है ना, हर कलर थोड़ी ना इक्वली डिस्पर्स हो रहा है, तो वैसे देखोगे तो येलो आपका मीन डेविएशन हो जाएगा, करेक्ट। चलो, इसमें डाउट है क्या किसी को? Yes guys, anybody any doubt? Yes. तो येलो को बोलेंगे हम मीन डेविएशन, क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Okay. Now just give me one second.